मोदी गवर्नमेंट कॉलिंग फॉर अ स्पेशल 5-डे पार्लियामेंट सेशन इन सितंबर. क्रूशियल लेजिस्लेशंस आर लाइकली टू बी ब्रॉट इन एंड देयर इज अ लॉट ऑफ डेलिब्रेशन डिस्कशन ऑन व्हाट कुड दैट बी. इंडिया टुडे हैज एक्सक्लूसिवली लर्नड दैट द गवर्नमेंट इज लाइकली टू ब्रिंग वन नेशन वन इलेक्शन बिल. Which means, for example, when 2024 happens, that's when the state elections could also take place. The bills on Uniform Civil Code, the UCC, Women Reservation Bill, are likely to be introduced in this special session of the Parliament, barely for months to go for 2024 Lok Sabha polls. Politics has escalated, meanwhile, over the special Parliament session. Opposition is up in arms against BJP. Team India bloc has slammed the move, calling the bills unconstitutional. Sharpening the attack at the center, Congress Chief Mallikarjun Kharge said government will bring whatever bill they want. Opposition will continue to fight against it. लोक सभा स्पीकर और राज्यसभा के चेयरमैन यानी कि देश के उपराष्ट्रपति उनके माध्यम से एक नोटिफिकेशन हम लोग के पास आता था मेंबर्स है. आजकल ट्वीट के माध्यम से पता चलता है प्रहलाद जोशी जी के. मगर बहरहाल सेशन बुलाया गया है. क्यों बुलाया गया है, क्या ऐसी अर्जेंसी है, सरकार इसकी बारे में जानकारी देगी. इंडिया गठबंधन बनने के बाद भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी बुरी तरीके से बौखलाए हुए हैं और 3 राज्यों का चुनाव है. वो तीनों राज्यों के चुनाव बुरी तरीके से बीजेपी हारने जा रही है, जिसके कारण ये वन नेशन वन इलेक्शन की बात उन्होंने शुरू की है, चलाई जा रही है ये बात. दूसरा ये है कि ये चुनाव पहले कराना चाहते हैं और इनके अंदर घबराहट है. साफ तौर पे इंडिया गठबंधन से बौखलाहट घबराहट का नतीजा है ये जो वन नेशन वन इलेक्शन की बात की जा रही है. और 3 राज्य के जो चुनाव हैं वो बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है, वो बीजेपी हारने जा रही है. ये सरकार पूरी तरह से डरी हुई है, जल्दबाजी में फैसला लेने की कोशिश कर रही है क्योंकि उसको पता है कि वो राज्यों में चुनाव हारने जा रही है. उसकी जिम्मेदारी बनती है कि संविधान में अगर कोई परिवर्तन करना चाहते हो तो आपको विपक्ष को कॉन्फिडेंस में लेना होता है, विपक्ष से आपको बात करनी होती है, राज्य के मुख्यमंत्रियों को बुला के आपको बात करनी पड़ती है क्योंकि ये लोकतांत्रिक देश है. यहाँ कोई फैसला लेने के पहले आपको विपक्ष को भी कॉन्फिडेंस में लेना होता है, तभी आप कोई फैसला ले सकते हैं. ध्यान भटकाने के लिए संसद के विशेष सत्र की बात की गई और सूत्रों से ये खबर फैलाई जा रही है कि एक देश एक चुनाव पर चर्चा होगी. एक बात स्पष्ट रूप से मैं कह देना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी जनता और जनता का विश्वास खो चुकी है. चाहे वो जितना भी प्रयोग कर ले, अब देश की जनता भारतीय जनता पार्टी की राजनीति पर विश्वास करने वाली नहीं है. विशेष सत्र में भाजपा सरकार एक राष्ट्र एक चुनाव पर बिल लाने के लिए है, मगर ये ऐसे विषय हैं जिसको कि पॉलिटिकल गिमिक के रूप में न करके एक बैठ के विचार करके सारे स्टेक होल्डर से बातें करके कैसे इसकी बारीकियां होंगी इसकी पेचीदगियां होंगी वो करके लाने के बजाय अगर ये बुलडोज करती है तो इसे चुनावी गिमिक माना जाएगा.